देश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों में जिला एवं मुक्त कारागार धर्मशाला भी जुड़ गया है। जिला कारागार में जेल प्रशासन द्वारा अब ऑर्गेनिक नर्सरी तैयार की जा रही है। नर्सरी में तैयार की जाने वाली पौध के लिए गोबर के गमलों का प्रयोग किया जाएगा। गोबर के गमले बनाने के लिए जेल प्रशासन द्वारा बाकायदा मशीन खरीदी गई है। जिला कारागार में गोबर से ये गमले बनाने का कार्य IIM अहमदाबाद के विद्यार्थियों की नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त संस्था है। इस बारे में जब जिला एवं मुक्त कारागार धर्मशाला के उप अधीक्षक विनोद चंबियाल से बात की तो उन्होंने बताया कि गोबर से निर्मित इन गमलों की लाइफ 1 से 1.5 साल तक की होती है और इनमें नमी भी बनी रहती है, जिस कारण पौधा सूखता नहीं है। साथ ही ये गमले ऑर्गेनिक हैं और इससे ऑर्गेनिक तरीके से पौध उगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गोबर से बनाए गए गमलों में पानी भी बहुत कम लगता है और इनमें हर तरह के फूल उगाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिला कारागार धर्मशाला में बंदी रोजगार सृजित करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं और इसके लिए कारागार प्रबंधन भी कैदियों की भरपूर सहायता कर रहा है। अलग अलग व्यवसाय के प्रशिक्षण के लिए उपकरण भी कारागार प्रशासन कैदियों को मुहैया करवा रहा है। क्या है ये ऑर्गेनिक नर्सरी का प्रोजेक्ट है और इसके पीछे सोच ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को भी बेनिफिट हो और एक इनोवेटिव भी हो। तो हमने ये सोच रख कर के कि ये जो गमला है ये काउडंग का हम पॉट्स बना रहे हैं, ये मैन्योर भी काम करेगा और इसका जो कैपेसिटी है मॉइस्चर रिटेंशन की वो भी ज़्यादा है। तो ये दो तरह से बेनिफिशियल है, जो प्लांट इसके अंदर लगाया जाएगा उससे ग्रोथ भी अच्छा आएगा और एक खास करके एक कंट्रीब्यूशन रहेगा सोसाइटी के लिए यहाँ के इनमेट्स के द्वारा। और सर जैसे ये बंदी हैं, जब ये बाहर जाएंगे तो इनके लिए भी फायदा होगा? डेफिनेटली आप देखें कि ये जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट सोसाइटी में लाते हैं, कहीं भी लाते हैं, जिसकी वायबिलिटी होती है तो उसमें सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये एक बहुत की जैसे ये ऐसा रिसोर्स है जो कि हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ पर गोबर काउडंग जो है लगभग सब लोग गायें पालते हैं, तो गाय के साथ साथ वो एक अपना ये फ्लोरिकल्चर का या वेजिटेबल का इस तरह से कोई भी काम कर सकते हैं, जिसमें ये जो पॉट है वो दो तरह से हेल्प करेगा। एक तो अच्छा पैदावार देगा और एक इको फ्रेंडली रहेगा, जिसका कि जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो इन टोटैलिटी वी आर जस्ट मेकिंग द काइंड ऑफ इनिशिएटिव विच इज़ हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर द पर्सन हु आर अडॉप्टिंग सच प्रैक्टिसेस, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। थैंक यू सर।